मन तड़ पोत हरि दर्शन को गुरु बिना ज्ञान का जोगी तो अनवनी पता लाला बुझा। लून मांग, गुड़ मांग, शक्कर मांग, दूध मांग, दही मांग, मिट्टी के भांडे मांग, कलानियां मांग। जवान गांव बड़ा चेहरा सी हुण तो पता लग रहा। मेरे का 18 पुत्र, 4 धीआं हैं, जेरे जो 5 पुत्र रह गए, 2 धीआं रह गए। 18 बेटे थे, पता था कि पाकिस्तान गलियां ने लोहे दे घेर ला गए। फिर गोरखा ही कौम आ गई, बड़े बड़े पट बड़े बड़े उच्चे अबे साडे दी वर्दी तकीरे दे उन्हां कोई सानू कुछ ना आखिया। सड़क वेली होंदी थी, हुण तां दिने राती सड़क नूं वेली नहीं लगदी। ए जेड़ा आउंदा खाई आउंदा, आवाम दा सोचदा ही कोई नहीं। नवाज शरीफ ते इंडिया दे हन, साडे उत्थे शहर दा उह आपणे पोजे पर दा हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। नाजरीन, न्यूज अलर्ट के साथ अभी मैं जिला जलम के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिनकी अभी उम्र 108 साल है और इनकी खुराक की वजह से, खुशहाली की वजह से सामने देख सकते हैं कि अभी तक फील नहीं होता कि इनकी उम्र इतनी ज्यादा है। नाजरीन, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये इंडिया के रिहायशी थे जब क़याम पाकिस्तान हुआ। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो इन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर आए। उस वक्त क्या हालात थे, क्या वहाँ पे वाकया पेश हुआ और अपनी आंखों से इन्होंने क़याम पाकिस्तान को, पाकिस्तान को बनते देखा था, उस हवाले से बात करना। अच्छा बताएं, कहाँ पैदा हुए थे जब पाकिस्तान बना? अमृतसर पैदा है मैं, उठे था मैं जवान, उठले आटे दे वाल था मेरे, उत्थे पैदा तो मैं उत्थे होया अमृतसर। बस जंग लग गई, फिर अब्बा जी सानू 1.5 महीना पहला छड़ गए इत्थे। फिर उन्हें टोका 1300 का मकान ला लिया। फिर नवें महल नराला बेकी के दादे को 4.5 हज़ार दियाँ 3 दुकाना चुबारा ला लिया। उसने बड़ी सस्त पाई थी, पैसा ही किसी को नहीं। अच्छा, जब हिजरत करके पाकिस्तान इस तरफ आए तो कितनी उम्र थी आपकी? पता था ये सारे मामला क्या हो रहे थे, इंडिया या हिंदू क्या कर रहे थे, इसे क्या कर रहे थे? उसे मेरी 25-26 साल उम्र थी। 25-26 साल, जवान था बड़ा चेहरा सी, हुण तो पता लग रहा। मेरे का 18 पुत्र, 4 धीआं हैं, जेरे जो 5 पुत्र रह गए, 2 धीआं रह गए। 18 बेटे थे, 4 धीआं, 18 बेटे, 4 बेटियां आपकी अपनी? हां, तो जेरे जो 5 पुत्र, 2 धीआं रह गए। अच्छा, शादी उधर ही की थी या पाकिस्तान आके की थी? बेगम आपकी पाकिस्तान की है या इंडिया की? नहीं, उधर त्रै की थी, त्रै फौत हो गए। अच्छा, वो फिर मैंने लब दिया, मैं नहीं करता। अच्छा, अभी भी शादी करना चाहते हैं आप, कर नहीं रहे? तो जिस वक्त ऐलान हुआ पाकिस्तान बनने का, आप इधर थे या इंडिया में थे? ना, इतने था मेरे आया बने 1.5-2 महीने बाद। जब इधर आए फिर बना था? अब्बा जी पहला छोड़ गए थे ना। कितने बहन भाई इधर आए थे? 3 भरा, 4 भरा थे, 3 बहन। क्यों आए थे पहले ही जब पता था कि पाकिस्तान? गलियां ने लोहे दे घेर ला गए, लोहे दे घेर ला गए, बड़े हालात खराब थे। फिर गोरखा ही कौम आ गई, बड़े बड़े पट बड़े बड़े उच्चे अबे साडे दी वर्दी तकीरे दे उन्हें कुछ सानू कुछ ना आखिया, वह दूए पासे डर गया। अच्छा, आपके वाले साहब उस वक्त के DSP थे, मतलब पाकिस्तान नहीं बना था तो DSP थे, ये उस वक्त हुकूमत किसकी होती थी? DSP ये गोरों के थे या किसके थे? मुझे ना नहीं ना पता, ना नहीं पता। DSP फिर इधर आ गए? ओ सानू पहला दो जंग तू जले लोहे दे गेट से लगे ना, सानू 1.5-2 महीने पहला छड़ गए इतों ब्याह किए असाने ना। इन्ना फिर आके सानू घा भी ना पाया, तुम कौन हो? अबे को पैसे तो उन्हें 2 मकान खरीद ले। उन्हें कहा घबराओ ना, पैसे हैं मेरे को, इस वे पैसा ही कौन नहीं। यह जो त्रै दुकाना चुबारा नराला बेची के दादे को लिया थे ना, बरकत ठेकेदार को 4.5 हज़ार दी। जिस वक्त सुना था पाकिस्तान बन गया है, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो कैसी फीलिंग थी, आवाम कैसे रिएक्ट कर रहे थे? सानू तो बंदा ही कोई नहीं सी, थे मुश्क आउंदी सी सिखां दी गलियां च, वो परले पासे जगह ही कोई नहीं थी। नीवी जगह थी, खुखल दी कौड़ी खेडते था, कुश्तियां करते था, बड़ी नीवी जगह थी, खुखल होंदी। अच्छा, बंदे काम थे उस वक्त? बंदे सड़क वेली होंदी थी, हुण तो दिने राती सड़क नूं वेली नहीं लगदी। उस वक्त के हालात और अभी हालात क्या समझते हैं? मैं भाई इतने पैसे च पावर ही कोई नहीं, जेड़ा आउंदा खाई आउंदा, आवाम का सोचता ही कोई नहीं।
आमदारी कोई सोचते अपने बोझे भरते नवाज शरीफ तो इंडिया ही है ना साढ़े उत्तर शहर का केड़ा शहर है जिते इन्होंने पला दे फैक्ट्रिया नहीं इंग्लैंड जिन्हें और 250 कमरे की बिल्डिंग ली मेरा मतलब भी आवाम का कोई नहीं सोचता वो अपने बोझे भरता मेरा बोझा भरना लिया होगा नहीं देखेगा कि चार साल रहा तो इन्हें खोते टाए ने कैसे हालात थे गली मोहल्ले पुलिस कैसा रवैया था मुसलमान हिंदू सिख प्यार करते मुसलमानों इन्नी सारी गल पिछे मैं दसते रहे दुबई सऊदी में रहा उन्होंने बिच ही रहा उन्होंने तरह घट होंगी सी साड़ी वाद होंगी सी मैं तेरा गवाइया तेरा बड़ा रफी सुन लता सुन नूर जान सुन जो मैं अजे भी गरारी मेरा काम कर दी नहीं ना इतने खप च नहीं गरारी चलती मैं राग मारना मन तड़ पुत हरि दर्शन को गुरु बिना जान का जोगी तो आने नहीं पता लाला बसा किधर दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले जल पूरा वाद कटा तुम हैरान हो जाओ नहीं ना तो मजा नहीं है मैं ना मजा आ बड़े ही काम किए एक काम हो रहे तुहाड़ी फोटो बना के मैं उड़ा सकना कागज की गुड़ी कागज की कुप बना सकना पांच पांच दुकाना रखिया लून मांग गुड़ मांग शक्कर मांग दुध मांग दही मांग मिट्टी के भांडे मांग कलानियां मांग तेल जो मांग मंदिर कर दे चटान बाड़ कंप्यूटर ठीक है फिर मैं सऊदिया टूर गया 40 साल इस बिल्डिंग च रहा इन्हें लिख के मस्जिद देती अज ही आप फोत हो गए मैं सऊदिया टूर गया मुफ्त गया मुफ्त आया फिर दुबई टूर गया मुफ्त गया मुफ्त आया मुफ्त किस तरह के जंट वाकब साल नहीं जा रहा मैं बड़ा मशहूर बंदा मम्मी मैं गलत गल नहीं करा हर बंदा मेरा वाकब है पटू के टाइम गया ना टिकट दिता तो ना कोई हूँ टिकट तो उन्होंने देना है गौरमेंट स्कूल गोरे आए थे ना गौरमेंट स्कूल तो मैं अपने मामे सहरे करा गया वो जो जंट थी मेरा वाकब थी अदा तो तू नहीं जाना अल्लाह का घर तक मेरे दिल में ठक मैं पांच दुकाना खराब करके टुर गया साढ़े 12,000 बंद मैं कला जा रहा जल्द किस्मत खुलती है ना पता ही नहीं लगता वादा कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं लगा है मिस्र का बाजार देखो नई तहजीब के शकार देखो शकार नहीं रहा तो ऐसा रह जाना एक भैन रह गई एक मैं रह गया जो औलाद रह गई बाकी सब फौत हो ना मामा रहा ना चाचा रहा सब मर गया इंडिया में भी आपके कोई रिश्तेदार हैं बाद में कोई मिलना है ये सारे इधर आ गए नहीं नहीं कोई भी रिश्तेदार से कोई नहीं शुक्रिया नाजरीन आपने सुना ये बुजुर्ग इनकी उम्र 108 साल है इनके वाले ने पाकिस्तान में शादी की पीछे इनके कोई रिश्तेदार इंडिया में है नहीं है ये भी इनको याद नहीं है ना उनका पता है लेकिन पाकिस्तान में जब यहाँ पे आके आबाद हुए तो चंद लोग यहाँ पे रह रहे थे इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान यासर सदीक को मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।